नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बड़ा बयान दिया है। पैट कमिंस ने मेलबर्न टेस्ट को लेकर बड़ी मांग की है। पैट कमिंस ने कहा है कि एक गेंदबाज के लिए पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच का विकेट वास्तव में बहुत ही अच्छा था। उसमें मूवमेंट, तेजी और उछाल थी और उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा विकेट होगा। कमिंस ने कहा है कि जब गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग की बात आती है तो एक खिलाड़ी ही नहीं, एक फैंस के तौर पर भी वो विकेट काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको लगता है कि अगर आप में कौशल का अच्छा उपयोग करते हैं तो मैच पर बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। कमिंस ने पहले मैच में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के कीमती विकेट लिए। पुजारा के विकेट के बारे में कमिंस ने कहा कि विकेट से मदद मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें थोड़ा मूवमेंट था। हम पुजारा के डिफेंस को चुनौती दे सकते हैं और विकेट में थोड़ा उछाल होने से निश्चित तौर पर मदद मिली। आपको बता दें, एडिलेड टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों को पहले और दूसरे दिन विकेट में कुछ नहीं मिला था। न गेंद स्विंग हो रही थी और न ही ज़्यादा उछाल मिल रही थी। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया की पिचों में उछाल ज़्यादा रहती है। हालांकि मैच के तीसरे दिन विकेट में उछाल देखने को मिली, गेंद कैरी भी कर रही थी, लिहाजा टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। तो पैट कमिंस चाहते हैं कि एक बार फिर से वैसा ही विकेट मेलबर्न में मिले, और मान लीजिए ऐसा हुआ तो फिर भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि विराट कोहली टीम में है नहीं और ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के सामने बल्लेबाजों को मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि ज्यादा हावी ना हो और हमारे बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।